गाइस बारिश होने लगी है, आज पहले दिन ही स्वागत कर दिया है बारिश ने। ये देखिए हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, मैं जस्ट अभी उठा हूँ सो के, और अभी वक्त हो रहा है 4:50। सो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा अभी कि मैं आज से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ, और प्रैक्टिस का टाइम 5 बजे का है। सो 10 मिनट है मेरे पास रेडी होने के लिए, तो मैं रेडी होता हूँ स्पीड से। बाकी गाइस देखिए, आज बारिश हो रही है, रात भर से ही बारिश हो रही है। तो मैं नहा धो के हो गया हूँ रेडी, और देखिए गाइस अभी वक्त हो रहा है 5:56, और देखिए उजाला भी हो गया है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ गाइस, क्योंकि मुझे नहाना था और आज मेरा डे वन था, और काफ़ी चीज़ें बता भी नहीं थी आज, और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह बनाने में भी टाइम लग गया है। तो लगभग अभी 6 बज रहे हैं, सो 6 बजे से 10 बजे तक आज वर्कआउट करना है गाइस, और मुझे सब चीज़ें कवर करनी है अपने वर्कआउट में। मुझे अपना लेग भी देखना है, जिससे मेरी मतलब लेग की हेल्थ ठीक रहे, और भी चीज़ें मैं करूँगा। मैं कैलिस्थेनिक का भी करूँगा और फ्लेक्सिबिलिटी का भी करूँगा। सो मैं 3-4 चीज़ें लेके चलूँगा, और रनिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। और अपन लोग जाएंगे साइकिल से, सो मतलब सब चीज़ें मतलब हो जाएंगी कवर वैसे। सो यहाँ से अपन चलते हैं डायरेक्टली डैम चलते हैं गाइस आज। सो डैम पे आज वर्कआउट करेंगे। वैसे देखिए पूरे में गीला है, आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ देखिए। सो मतलब आज मेरा डे वन है, और बारिश ने काफ़ी अच्छे से स्वागत किया है, बट ठीक है, बारिश हो कुछ भी हो अपन लोग रेगुलर रखेंगे और करेंगे। अगर बाहर नहीं कर पाएंगे तो गाइस ये मेरा रूम है, यहाँ पे ही करेंगे, बट करेंगे डेली, कुछ भी हो डेली करना है। तो चलते हैं यहाँ से डैम, और अगर डैम पे सही नहीं होगा तो फिर सीधे जाएंगे जिम। तो चलो गाइस चलते हैं। गाइस मैं पहुंच गया हूं डैम पे, और आज मैं करूंगा यहां पे वर्कआउट, इसी रोड पे वर्कआउट करूंगा क्योंकि पूरे में गीला है। तो करते हैं शुरुआत। गाइस बारिश होने लगी है, आज पहले दिन ही स्वागत कर दिया है बारिश ने। ये देखिए मैं साइकिल से हूँ, तो अब घर पे जाते जाते गीले हो जाएंगे, लेकिन तब भी आज का वर्कआउट हो चुका है, मतलब मैंने लेग वगैरह का तो कर लिया है वर्कआउट। बारिश बंद हो गई है और मैंने एक और स्प्रिट मार लिए, तो अब लग ही रहा कि बारिश होगी।
सो करते हैं वापस से अपना वर्कआउट। अभी योगा भी करना है तो लेग का पहले कंप्लीट करते हैं। वर्कआउट हो गया है, अभी चलते हैं ऊपर, वहाँ पे कहीं जगह देख के योगा करते हैं। अभी वक्त हो रहा है 7:40, तो वक्त है हमारे पास योगा के लिए, चलते हैं। वर्कआउट हो गया है, योगा हो गया है, देखिएगा और मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे लगभग 10 साल पुराने मित्र से। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग टू सबको, और कैसे हैं आप लोग? आयुष्मान को फॉलो करते रहो, सबसे बढ़िया बंदा है ये, तो मैं इसको बचपन से जानता हूँ, हम दोनों साथ में डांस सीखा करते थे और ये डांस में सबसे आगे निकल गया। गाइज जब मैं क्लास में था, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था, तो ये लोग बहुत खतरनाक करते थे डांस, और मैं एक गांव का लड़का जो कुछ नहीं जानता बट तुम लोग थोड़े हाई क्लास थे उस टाइम पे, मतलब एक कहाँ जाए तो हम बहुत काले से बेकार से पर, अरे है ना मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी, बट ये लोग क्या, इन लोगों का मतलब एक ऐसा था कि हाँ ये लोग पहले से आ रहे थे वहाँ पे। तो मेरे को 3 दिन हुए थे उस डांस क्लास को ज्वाइन किए हुए, लेकिन तब भी चौथे दिन ये आया था। हमारे घर के जस्ट बगल में थे ना, मेरे घर के जस्ट बगल में, लेकिन डांस तुम बहुत तगड़ा करते उस टाइम, है ना? उस समय की बात अलग थी भाई, भी डांस प्यारे दिन और वो प्यारा दोस्त अभी भी साथ में। चलो गाइस चलते हैं, रिसन भाई को भी बोलते हैं बाय। कि वक्त हो रहा है 9:20, आज अपन लोग टाइम से पहले चल रहे हैं। बाय बाय, एक नंबर मज़ा आ गया गाइस, आज का वर्कआउट करके दिल को सुकून मिल गया, जो मुझे चाहिए है ना यही है। मोती भाई हैंडशेक ये। तो गाइस मैं घर आ गया हूँ और मेरे रूम की सफाई कर दी है, देखिए जूही ने, अच्छा लग रहा है। बाकी गाइस सबसे पहले हाथ पैर धोते हैं। तो गाइस खाने में बनी आज भिंडी की सब्जी और रात की तुरई की सब्जी। तो गाइस मैंने चेंज कर लिया है और आज तो मैं भीग गया हूँ थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है कि भाई फीवर ही बनना आ जाए आज। ओ, मैंने तो नहा लिया। बाकी ये लोग भी भीग के आ रहे हैं। हाय गाइस, हेलो, देखो गाइस लोग लेके आए हैं गमले, हम लोग को पेड़ लगाने हैं, तो कुछ गमले रखे हैं और कुछ और हैं। बाकी गाइस अभी मैं करूँगा आराम, मैंने जूही से बोल दिया, जूही चाय बना रही है, सो चाय पी के मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, क्योंकि हालत थोड़ी डाउन लग रही है, क्योंकि आज वर्कआउट भी हो गया है और मैं भीग भी गया हूँ, तो थोड़ा सा मैं सोऊँगा। बाकी इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। सो आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।